कस्टमर तो ऐसा समझो कि दिन में 2-3 कस्टमर ही कर रहे साहब। हम लोग अभी नौकरों की पगार का भी पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं अभी, बहुत है, हम अपने घर से पैसा डाल के परेशान है समझे। ये जो है तो बहुत भर के जा रही थी, महानगर पालिका ने नाली की सफाई नहीं कराने की वजह से ऐसे बीच बीच में से उनको जो है तो नाले खोद करके जो है तो अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकालना पड़ रहा है। चलिए वो एक अच्छा काम है, आप जो हो रहा है कस्टमर खड़े नहीं रह रहा है, हमारे पास आया कस्टमर तो मुँह को हाथ लगा के चल जा रहा है। दूसरी बात मैं बोलूँ, हार्ट ऑफ सिटी है, बिल्कुल सही बात है, लोग बाहर गाँव से भी यहाँ पर आके तो खरीदी, मतलब ये एक मार्केट है, औरंगाबाद का सबसे बड़ा मार्केट है। जो की मतलब रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के महानगर पालिका से कि आप लोग प्लीज ये खड्डों का काम जल्द से जल्द करवाएं। ये बैरिकेड थोड़ा दूर से बताइए, पूरी दुकान को पैक कर चुके, पूरी दुकान पैक हो चुकी है, मतलब अगर कस्टमर आना भी चाहे ये तो बाद में देखेगा, कस्टमर आने के बाद में, लेकिन कस्टमर दूर से समझ जाएगा कि इनकी दुकान बंद है, दुकान चालू नहीं है। फैमिली कपड़े वगैरह कुछ खरीदी और बच्चा बाहर आ गया तो एक बड़ा हादसा भी होने का जो है तो यहाँ पे एक आशंका है, जो कि हम नहीं चाहते कि कुछ यहाँ पे ऐसा हादसा हो। तो मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत, आप तक आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। आज हम मौजूद है पैठन गेट रोड के ऊपर और यहाँ पे जो है तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकान है, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इधर नीचे बताइए कैमरामैन, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है तो एक नाला था बहुत बड़ा, जिसको महानगर पालिका ने सफाई करने के लिए खोला था, और अब खोल के भी जो है तो इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं इसको, लेकिन खोल के जाने के बाद में महानगर पालिका यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब यहाँ के जो दुकानदार है, जो लाखों रुपए की दुकानें आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे खोलकर बैठे हैं, अब इनके पास में कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर आएगा तभी इनका जो है तो यहाँ पे कारोबार होगा, उसके बाद यहाँ पे जो इनके जो वर्कर है उनको पेमेंट दे जाएंगी। लेकिन अब सुबह से लेकर अभी तक हमने बात की है, अभी तक इनकी भोनी भी नहीं हुई, जिसे कहते हैं ना कारोबार की शुरुआत, कस्टमर आता है कुछ ख़रीदता है, वो भी नहीं हुआ है। आइए यहाँ पर हमारे साथ में दुकानदार है। सर, आपने जो इतना बड़ा कारोबार खोला है, हाँ, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं ये खड्डा होने के बाद में यहाँ पर जो नाला खोला है? कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? साहब कस्टमर तो ऐसा समझो कि दिन में 2-3 कस्टमर ही कर रहे हैं साहब। हम लोग अभी नौकरों की पगार का भी पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं अभी, बहुत है, हम अपने घर से पैसा डाल के परेशान हैं समझे क्या। अगर ऐसा ही कारोबार रहा तो हमको धंधा बंद करना पड़ेगा, ये पोजीशन हो गई है। सर, आपने कभी महानगर पालिका को नहीं बताया कि हमारे कारोबार पर असर हो रहा है और आप जल्द से जल्द करिए? हमने महानगर पालिका को बताया है साहब, उनको रिक्वेस्ट भी किया है 3-4 बार, लेकिन वो बोलते हैं हाँ भाई हो जाएगा, 15 दिन में, 1 महीने में कर देंगे, लेकिन 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है साहब। कचरा भी बोलते हैं निकाल रहे हैं, लेकिन कचरा 3-4 महीने तो कचरा भी यहाँ से नहीं निकाला है साहब उन्होंने कुछ भी। जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोरोना काल में 2 साल से तो दुकानें बंद ही है, उसके बाद में फिर दुकानें जैसे तैसे चालू हुई, तो बारिश का कहर जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो औरंगाबाद में हुआ है इस साल, और नाले जो है तो बहुत भर के जा रहे थे। महानगर पालिका ने नाले की सफाई नहीं कराने की वजह से ऐसे बीच बीच में से उनको जो है तो नाले खोद करके जो है तो अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकालना पड़ रहा है। चलिए वो एक अच्छा काम है, आप जो है तो साफ़ सफाई रखना चाह रहे, नाले चोकअप नहीं होना, लेकिन हमारा बोलना ये है कि जब आप ऐसे नाले खोलते हैं तो तुरंत जो है तो उसको जो है तो पैक करिए, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें
कोई कस्टमर के साथ में छोटा बच्चा भी आ सकता है और यहाँ पे एक बड़ा हादसा होने की एक आशंका भी अभी हमको दिख रही है। तो हम बताएंगे महानगर पालिका को, ये जो आपने तिलक पथ पैठन गेट रोड पर जो जगह जगह पे नाले के पैचेस खोले, तो जल्द से जल्द इसे बंद करिए। हमारे साथ एक और दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। सर कितना आपको नुकसान उठाना पड़ा? नुकसान तो बहुत हो रहा है सर, 7 तारीख का पानी पूरे दुकानों में घुस गया था, जो 7 तारीख के दिन का पानी था। और ये गंदगी से डेंगू तुम्हारे चिकनगुनिया बहुत हो रहा है, कस्टमर खड़े नहीं रह रहा है। हमारे पास आया कस्टमर तो मुंह को हाथ लगा के चल जा रहा है। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, जैसे बैरिकेड लगे हैं तो कस्टमर समझ रहा होगा कि दुकान बंद है। बंद है सर, आने को एंट्री नहीं है ना। अभी हमारे दुकानों में जो सेल्समैन है उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी है, पार्क कहाँ करेगा कस्टमर, और आएंगे कहाँ से, एंट्री ही नहीं है ना कस्टमर को। अब उनको हम महानगर पालिका को बोल रहे तो बोलते साफ सफाई चालू है, साफ सफाई 5 महीने लग रही है नाला साफ करने के लिए। बहुत ढीला काम चल रहा है महानगर पालिका का, प्रशासन के हाथ में होने से कोई बोल नहीं रहा है। जी बिल्कुल। दर्शकों मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है इसे VIP एरिया कहा जाता है, और अपना औरंगाबाद। जी बिल्कुल, ये एरिया ही वो है हमारा हार्ट ऑफ सिटी का औरंगाबाद। गली से दिल्ली तक गए हुए आदमी, बिल्कुल फिर भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। हार्ट ऑफ सिटी है, बिल्कुल सही बात है। लोग बाहर गांव से भी यहाँ पर आके तो खरीदी, मतलब ये एक मार्केट है औरंगाबाद का, सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पे जो है तो आपको हर अपनी सुविधा की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और लोगों ने लाखों रुपए लगा के यहाँ पे अपनी दुकानें शुरू की है। आइए किस तरीके से आप मैनेज करते हैं मैडम? सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से कि ये काम जल्द से जल्द कराए। 5 से 6 महीने हो चुके हैं गड्ढे खोदने के लिए, हर नगर सेवक आमदार खासदार सब आके जाते हैं, सिर्फ आश्वासन करते हैं, कुछ काम नहीं होता है। और बीमारियां, इतना बड़ा काम नहीं है कि महानगर पालिका कर नहीं पा रही है, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कैसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, बाकी लड़ाई तो नहीं कर सकते। और ऊपर से फिर बीमारियां इतनी फैली हुई है, मच्छर इतने होते कि मलेरिया डेंगू हर चीज़ से, फिर उसका पैसा कहां से लाएगा इंसान? अगर बोनी नहीं होती है तो फिर क्या करेगा इंसान? एक धोखा भी इसे कहा जाता है, जैसे आपके जो दुकान है साड़ी वगैरह कपड़े बच्चों के कपड़े वगैरह, अगर बच्चे अगर यहाँ पे खेलने के लिए, बहुत रिस्की है, गिरते गिरते कितने बच्चे लोग बचे हैं इसमें। तो ये हम लोगों की बहुत मतलब रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के महानगर पालिका से कि आप लोग प्लीज़ ये खड्डों का काम जल्द से जल्द करवाएं और इससे हमें राहत दीजिए। जी बिल्कुल, महानगर पालिका के वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम, यहाँ के दुकानदार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आके, अभी एक बार मैं फिर बता दूँ आपको, ये जो खड्डे हैं महानगर पालिका ने जल्द से जल्द जो है तो इनके ऊपर जो है तो कुछ एक्शन लेकर इसे बंद करना चाहिए। और आपको अगर दूर से मैं बताऊं, थोड़ा पीछे आइए, अगर मैं दूर से बताऊं आपको तो आप देख सकते हैं ये बैरिकेड थोड़ा दूर से बताइए, पूरी दुकान को पैक कर चुके, पूरी दुकान पैक हो चुकी है। मतलब अगर कस्टमर आना भी चाहे, ये तो बाद में देखेंगे कस्टमर आने के बाद में, लेकिन कस्टमर दूर से समझ जाएगा कि इनकी दुकान बंद है, दुकान चालू नहीं है। तो महानगर पालिका को अब जो है तो इसके अंदर कुछ तेज़ी लाना चाहिए। यहाँ के जो वार्ड अधिकारी, उन्होंने आके यहाँ पे सर्वे करके जल्द से जल्द ये बंद करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई बच्चा अंदर फैमिली कपड़े वगैरह कुछ खरीदी और बच्चा बाहर आ गया तो एक बड़ा हादसा भी होने का जो है तो यहाँ पे एक आशंका है, जो कि हम नहीं चाहते कि कुछ यहाँ पे ऐसा हादसा हो। तो महानगर पालिका से हमारे चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पैच जितने जल्दी हो सके जो है तो आप आके बंद करिए। मैं असगर अली, आप देख रहे थे कौमी सियासत आप तक, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर